true. I know it, you know it, we make it. बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। सबसे पहले तो दिल से शुक्रिया सभी लोगों का जितने भी लोगों ने अपने को विश किया था। सबको तो यार मैं रिप्लाईज नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी भाई दिल से शुक्रिया आप सभी लोगों का, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो यार पिछले 2-3 दिन से मैं गेम ज़्यादा खेला नहीं, इसलिए वीडियोस भी नहीं डाल पाया। कल तो मतलब यार मैं एक भी गेम खेला नहीं, और परसों मैंने थोड़ी बहुत गेम खेली थी, उसमें अपने का शायद से 45 का जितना मेरे को याद है माइनस लग गया था। तो अभी अपना रैंक जो है 2000 से माइनस होके 2500 अराउंड अभी कुछ चल रहा है। लेकिन यार पहले अपने आरपी के गिव अवेज कर लेते हैं। तो यार ये भाई अपनी पॉपुलरिटी रैंकिंग में 9 नंबर पे है, तो भाई की आईडी मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे आईडी डाल के अभी देख लेते हैं। तो यार यहाँ पे पेमेंट मेथड मैं सिलेक्ट करना भूल गया था, इसलिए ऐसा दिखाया फिलहाल के लिए, यहाँ पे पेमेंट मेथड भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सामने आप देख सकते हो भाई का नाम और आईडी आ चुकी है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे पेमेंट भी मैंने कर दिया, तो यूसी जा चुका है अकाउंट में। तो यार अपना सेकंड गिव अवे करते हैं। तो यार यहाँ पे 11 नंबर पे जो भाई है इनके पास फिर वर्ल्ड पास नहीं है, तो भाई ये भाई की आईडी यहाँ पे कॉपी मैं कर लेता हूँ। तो यार आईडी मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, तो अभी ये भाई की आईडी यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन यार यहाँ पे पता नहीं क्या सीन होता है, जैसे ही मैं आईडी पेस्ट करता हूँ तो यार जो पहले जिस बंदे को आरपी दिया था उसी बंदे की आईडी यहाँ पे आ जाती है। इवन यार नाम भी सामने उसी बंदे का आया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने ये वाली भी यहाँ पे पेमेंट कर दी। इसके बाद मैं वापस आया अपनी पॉपुलरिटी रैंकिंग में, तो ये भाई की आईडी थी 12 नंबर पे, ये भाई की भी यहाँ पे मैंने आईडी कॉपी करी। फिर यार यहाँ पे वापस मैंने ये वाली आईडी को हटाया, फिर यहाँ पे डायरेक्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया। अब यार यहाँ पे पेस्ट करने के बाद दोबारा से जो सबसे पहले बंदे को यूसी सेंड किया था उसी बंदे की आईडी आ जाती है। यहाँ पे सामने भी वही नाम था, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दे रहा था, मतलब मैं जल्दी से सिर्फ यूसी सेंड कर रहा था। तो यार यहाँ पे मैंने एक और वाली पेमेंट कर दी, तो मेरे को लगा था अभी 3 बंदों को रॉयल पास जा चुका है। तो इसके बाद मैं चौथी आईडी को यहाँ पे कॉपी करने के लिए आता हूँ, तो ये भाई की यहाँ पे आईडी मैं कॉपी करता हूँ। तो यार वापस से आके मैं सेम वही कॉपी पेस्ट करता हूँ, लेकिन यार इस बारी जब सामने नाम आता है तो यहाँ पे मैं नोटिस कर लेता हूँ कि यार ये बंदे को तो सबसे पहले मैंने आरपी दे दिया, तो यार वापस से इसकी आईडी क्यों आ रही है। अब यार यहाँ पे मैं समझ गया था कि अपने साथ स्कैम तो हो ही चुका है, तो जल्दी से जाके मैं पहले रिकॉर्डिंग चेक करता हूँ। और यार रिकॉर्डिंग जब मैं चेक करता हूँ तो यार वहाँ पे मैं देखता हूँ कि यार सेम बंदे को 3 बारी यूसी चला गया। फिर यार ये भाई को बुला के मैं थोड़ी बात बात करता हूँ और बताता हूँ भाई ऐसा ऐसा सीन हो गया। अब यार वैसे तो गलती यहाँ पे मेरी थी, क्योंकि मेरे को चेक करके यूसी सेंड करना चाहिए था, और यार ये बंदा बोल रहा था कि थोड़े टाइम में अपने फ्रेंड से पेमेंट वगैरह करवा देगा, फिर मैंने मना कर दिया, क्योंकि यार यूसी तो वैसे भी जा चुका है, यूसी वापस तो आएगा नहीं। तो यार ये भाई को यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा यूसी मिल गया, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी यार वापस से जिन बंदे को मैंने आरपी गिव अवे कर दिया था, ऐसा मेरे को लग रहा था मैंने कर दिया, अभी वापस से उन बंदों को आरपी का गिव अवे करते हैं। तो यार पहले तो ये भाई की आईडी यहाँ पे कॉपी कर ली है मैंने, तो यार इस बार तो यहाँ पे एकदम अच्छे से चेक करके ये आईडी डालने वाला हूँ। अब यार यहाँ पे इस बारी तो एकदम सही आईडी डाली है, तो नाम भी इस बारी चेक कर लिया मैंने, तो ये भाई की आईडी में यूसी जा चुका है। और यार एक और जो भाई की आईडी रह गई थी, वो भाई का नाम भी यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया और नाम एकदम सही आया सामने, तो ये भाई का भी पेमेंट कर दिया है। और यार पिछले 2-3 दिन में काफ़ी आरपी के गिवअवेज किए हैं, जिनका सबका तो मैंने रिकॉर्डिंग किया नहीं था। बाकी यार अपनी पॉपुलैरिटी रैंकिंग में टॉप 20 में जितने भी रहेंगे उनको तो गारंटीड आरपी मिल ही जाएगा। तो यार यहाँ पे टॉप 20 में आप देख सकते हो मैक्सिमम सभी बंदों को आरपी का गिवअवे कर दिया है। तो यार यहाँ पे अपने जो 17 और 16 नंबर पे भाई उन दोनों को मैंने सोच रखा था आज ही आरपी का गिवअवे कर दूंगा, लेकिन यार थोड़ा सा स्कैम हो गया। लेकिन यार कोई ना, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को भी कर देंगे। बाकी आपको आईडी सर्च मेरी करने की जरूरत नहीं है, अगर आप टॉप 30 पॉपुलैरिटी रैंकिंग में चेक करोगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। बाकी अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बाकी यार रैंक पुश से तो मैं 2-3 दिन बीच में थोड़ा ब्रेक लिया था, लेकिन अभी फिलहाल वापस से अपना रैंक पुश स्टार्ट कर दिया है। आज मैंने यार टोटल 2-3 गेम खेले थे यार, लेकिन हैकर्स का वही सेम सीन यार, बिल्कुल भी हैकर्स अभी तक भी कम हो नहीं रहे हैं। तो यार ये वाला गेम प्ले जो है शायद से 3 या 4 दिन पुराना है। फिलहाल यहाँ पे जोन के अंदर मैं जा रहा था, ये गाड़ी वाला बंदा यहाँ पे भी शायद से रुक जाता, लेकिन मेरे को फाइट लेनी नहीं थी। तो यार यहाँ पे अपनी बग्गी में जल्दी से निकाल लेता हूँ। तो यार अभी के लिए ये वाला वुडन शैक मेरे को होल्ड करने के लिए सही लगता है, तो यहीं पे मैं होल्ड करता हूँ, इसके बाद वाला जोन बनने का वेट करता हूँ। तो यार अभी के लिए ये वाला जोन अपने ऊपर ही था। अब यार ये जो बग्गी वाला बंदा था ये अपने ऊपर कहीं पे आके रुक गया था, लेकिन यार पेड़ की वजह से मेरे को उतना क्लियर सामने बंदा दिख नहीं रहा था।
अब यार यहाँ पे ऊपर वाली साइड में तो बंदों की फाइट चल ही रही थी, उतने मेरे को अभी राइट साइड से एक बग्गी का साउंड आता है। अब यार फिलहाल यहाँ पे इसके बाद वाला जोन बनने का वेट कर रहा था, तो ये वाला जोन अपने शिफ्ट हो जाता है। और यार इसके बाद जब मेरा ऊपर वाली साइड पे ध्यान जाता तो यार ये वाला बंदा भी सामने जंप कर रहा था। तो यार ऐसे भाई मैच के बीच में मीटअप वगैरह करने का ट्राई भाई ना ही किया करो। और यार दूसरी बात, अभी किसी और की आईडी से खेल रहा हूँ तो यार ऐसे बीच मैच में मीटअप वगैरह करने का ट्राई बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि यार हैकर्स तो ये लोग भाई बैन करते नहीं है, लेकिन यार इन सब चीज़ों के लिए बैन जोर से कर देते हैं। फिलहाल अभी जोन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था, तो अभी अपने को जोन में निकलना था। अब यार ये वाले बंदे को यहाँ पे अच्छा खासा डैमेज पड़ा था, लेकिन यार बंदा बच जाता है। उसके बाद वाला जोन जब मैं देखता हूँ तो यार जोन अपनी साइड को बन चुका था। अब यार यहाँ पर टोटल 4 ही बंदे लाइव थे, और एक बंदे के फुटस्टेप मेरे को सामने वाली साइड से आ रहे थे। अब यार यहाँ पे सामने वाली साइड पे एक बंदा बैरल से दूसरे बंदे को फिनिश कर देता है। अब यार यहाँ पे जो बैरल वाला बंदा था उसके मेरे को राइट साइड से कहीं से कुछ स्टेप आ रहे थे, तो राइट साइड में ये वाला बंदा आ चुका था, तो यहाँ पे मैं नेड वगैरह ट्राई करता हूँ। तो यार यहाँ पे दो रैंडम नेड्स में ट्राई करता हूँ, लेकिन यार दोनों ही नेड से फिलहाल ये बंदा बच जाता है। तो यार यहाँ पे टोटल 3 ही बंदे लाइव थे, और जो दूसरा वाला बंदा था वो सामने साइड से सैक वाला ही था। अब यार यहाँ पे ये जो स्मोक था ना भाई, थोड़ा मतलब मैंने गलत कर दिया था, थोड़ा मेरे को पीछे की साइड करना चाहिए था, लेकिन यार आगे की साइड पे स्मोक हो रखा था। उतने में पीछे साइड पे देखता हूँ तो यार मेरे को बंदा भी स्पॉट हो जाता है। अब यार ये बंदे ने शायद से अपने को स्पॉट कर लिया था, ये बंदा अपने को फिनिश कर देता है, लेकिन यार मेरे नेट से ये वाला बंदा भी फिनिश हो गया। और यार जो लास्ट शैक में तीसरा वाला बंदा था उसको फ्री का यहाँ पे चिकन मिल जाता है। फिलहाल अपने को #3 पे यहाँ पे 10 का प्लस मिला था। बाकी यार ज़्यादा मैं गेम खेल पाया नहीं हूँ, तो उतना कुछ खास और मेरे पे गेम प्ले है भी नहीं, लेकिन यार फिलहाल अपना रैंक बूस्ट जो है वापस से मैंने स्टार्ट कर दिया। तो यार डेली का 50 पॉइंट्स का टारगेट मैं रखने वाला हूँ, अगर वो भी हो जाएंगे तो यार बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्लस बिल्कुल मिल नहीं रहा है। अगर 50 पॉइंट्स भी इसके ऊपर मैं डेली लगाऊंगा तो यार ईजी अपना कॉन्करर हो जाएगा। तो देखते हैं रोड कितना टाइम अभी अपने को। बाकी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा अच्छा लगा तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, और अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भी आके आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।